सो गाइस फाइनली पहुंच चुके अपने नए घर में। तो हाँ अभी अच्छे से टूर निकल रहा हूँ। सो गाइस मम्मी का गृह प्रवेश करा दिया नए घर में। कैसा लग रहा है नया घर? बाकी गाइस आपको नया घर दिखाऊंगा एक दो दिन बाद, क्योंकि थोड़ी सेटिंग बनी है। सो ही गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो? कैसे कुछ ऐसा है अराउंड टाइम होने पर सुबह के 6। तो गाइस आज जो घड़ी आ चुकी है जब हमको अपने घर अमृतसर वापस जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ को अलविदा करके अमृतसर को वापस जाना पड़ेगा। और भाई देखो जाने वाले हैं, तो अंधेरा तूफान आ रहा है फिर से। भाई क्या हो रहा है भाई, इतने दिन से तूफान आ रहे हैं भाई। मेरे लोगों को कितना तूफान देखने को मिल गया यार, मतलब होता नहीं है टाइम में इतने तूफान भाई। चलो के बाद नहीं, अभी आ रहा है कभी जाता है कभी आ रहा है। तो हाँ तो अब बताते हैं इस मेन बात पे थी, हम जाने वाले हैं परमानेंट शिफ्ट होने के लिए। अब आपको मेरे ब्लॉग्स में ये लोकेशन देखने को नहीं मिलेगी, अब आपको मेरे ब्लॉग में ये घर देखने को नहीं मिला करेगा, अब आपको मेरे ब्लॉग में अमृतसर घर देखने को मिलेगा। तो बस अभी सुबह सुबह उठ गए हैं, हाँ 6:30 बजे थे भाई, 6:30 बज चुके थे। तो अभी सुबह से मूल पकड़ आ चुके हैं। तो भाई घर की हालात देख लो भाई, पहले भाई साहब मूल पकड़ से आ चुके हैं। और हेलो मम्मी, कैसा लग रहा है आज आपको आके दिन है चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ से प्यार तो था वैसे ना, मतलब कैसे देखो को होता ना कि हम 2-3 महीने के लिए आते तो फिर इतना नहीं लगना था लगा ना मम्मा, बट हमको वैसे यहाँ पे रहते रहते एक साल जब से आए तब से मैंने कंटिन्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। चलो अब पीछे इतनी कंटिन्यू मेरी ब्लॉगिंग नहीं हो पाई थी, मतलब कभी कभी कर लेता मैं ब्लॉग, कभी कभी नहीं, क्योंकि स्कूल के काम भी जुड़ना गया मेरे को। बट है मम्मी एक साल से रह रहे थे, थोड़ी सी आदत हो गई थी ना, है ना। हम यहाँ पे रह गए सेक्टर 22 के मार्केट में गए, सेक्टर 29 सैंवरी मंदिर में गए, ठीक है। और हम कहाँ गए थे, एलेंटे घूमने गए थे, फिर हर जगह घूमते रहते थे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कुछ खा रही है। अब डोसा गाइस इतना खाया डोसा भाई, भाई डोसे की शॉप बताता हूँ, अगर आप मेरे लोग देखे चंडीगढ़ में रह गए तो भाई जाना है जरूर। कार्तिक डोसा वाले है ना मम्मा, ऐसे शिव कार्तिक डोसा वाले, उनकी 2 ब्रांच है, एक पंचकूला में है और एक है सेक्टर 47 में चंडीगढ़ में। तो अगर फ्री हो गए ना कभी ना कभी तो खा के जुड़ाना भाई, बड़ा मस्त डोसा था। तो अभी आपको दिखाते हैं सारी पैकिंग वैकिंग, नीचे मूवन पैकर्स आ चुके हैं। तो बस करते हैं तैयारी अमृतसर जाने की, करते हैं चंडीगढ़ को बाय बाय, अमृतसर को हेलो हाय। तो बस अभी करते हैं फिर घर की पैकिंग वैकिंग स्टार्ट। अभी कुछ देर में आपको कुछ नहीं रहेगा घर में, हमारा सारा सामान जा चुका होगा। हाँ अभी आ चुके हैं, देखते हैं क्या क्या पैक होता है क्या क्या नहीं। मेरे सामान तो सारे पैक होना है, ये ऐसा भी कुछ छोड़ के तो नहीं है ना, बट हाँ फिर भी कि मतलब आएंगे थोड़े बहुत ही दिखाऊंगा कैसे पैकिंग करते हैं, काफ़ी अच्छी पैकिंग करते हैं। रिमोवल पैकर्स मिलते हैं पापा लेने के, उनको आते हैं फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। गाइस आपको भी यकीन नहीं होगा ना कि भाई एकदम से इतने कम दिनों में ही अमृतसर वापस जा रहे हैं, और बताया भी नहीं पहले, अब एकदम से बता रहे हैं एकदम से जा रहे हैं। चलो भाई ना गाइस अब आप घर नया कर देखना अमृतसर वा, ठीक है बाय। चप्पल भाई देखो भाई कमरे का हालात, यहाँ पे मेरा बेड लगा हुआ था, गंदगी कितनी निकली, वहाँ पे मेरा सारा स्टोर रूम में स्टोर का सामान पड़ा था, सिर्फ एल सीट रह गई, बाकी सारा कमरा देख सकते हो गाइस। एसी लगा जो है तो हमको गाइस मिले था लगा हुआ मिला था भाई, पूरा कमरा खाली हो गया बाहर हो रहा है, ये देख ही सकते हो आप। मम्मी बेचारी रह गई है, तो बस मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, काम में मैं। सो ये मेरा सामान लग चुका है, ये है वो गाड़ी जिसमें मेरा सामान जाएगा भर के अमृतसर में। भाई गाड़ी नहीं गाड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा ट्रक है भाई एक हिसाब से देख रहे हो भाई साहब। तो बस अभी देख रहा था भाई सामान अच्छे से लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे, बाकी सामान तो ठीक से लगा रहे हैं, थोड़ा सामान ये पड़ा, ये हमारा फ्रिज पड़ा है, और बाकी थोड़ा सामान अभी का सुपर सारा जैसे मेन सामान अभी आए, जैसे मंदिर है मंदिर आना है अभी, और बाकी तो मतलब मोस्टली सामान आ चुका है। तो अभी भी मैं साथ में लगा हूँ काम करवाने के लिए, तो मिलता हूँ अभी काम वगैरह फिर थोड़ा देखूँ भाई सही से लगा रहे कि नहीं लगा रहे सामान, तो लगवाने के बाद सामान लगवाने के बाद मिलता हूँ अभी। इसके बाद जब गाड़ी वगैरह फिल हो जाएगी पूरी भर जाएगी तो फिर अमृतसर का जाना मिले, फिर अमृतसर जाके उतारेंगे सामान फिर वहाँ पर लगाएंगे, तो मिलता हूँ बाय। ये साइकिल गाइस 1 साल हो गया ये यूज़ नहीं भाई, अमृतसर जाके करेंगे भाई इसको भी रिपेयर,
चल भाई तो अमृतसर चल, तेरे को अमृतसर जाकर चलाएंगे। गाइस आखिरी बार करो लिफ्ट के दर्शन। अमृतसर में तो भाई सीढ़ियाँ हैं घर में, क्योंकि घर है ना वहाँ पे फ्लैट नहीं है कोई, तो भाई वहाँ पे तो सीढ़ियाँ मिलेगी, लिफ्ट नहीं मिलेगी, तो आखिरी बार कर लो भाई लिफ्ट का देख लो भाई बस। चलो पहुँचेंगे, मैं मंदिर का थोड़ा सामान रख रहा हूँ, सामान रख के मिलता हूँ गाइस, बाय। सुबह से भी सारा सामान नीचे जा चुका है, आपको घर के दिखाते हैं भाई, तो घर के क्या हालात हो चुके हैं भाई। इतना भाई सामान भर भर के रखा था घर में, इतना भर भर कर रखा था भाई। मंदिर कहाँ गया मम्मी हमारा, सामने तो मंदिर था। अरे आपका गैस चूल्हा कहाँ है? मैं हम बोकाश आवाज हो गए थे, हेलो भाई। इधर गाइस हमारा बेड था, इधर हमारी LCD थी, इधर हमारा वैसे फालतू सारा सामान पड़ा था। उधर भाई मेरे रूम की दिखाते हैं कैसे बाप को भाई। इधर मेरा रूम था, इधर मेरा बेड लगा था, इधर हमारे कंप्यूटर पर लगा था। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है ना? क्या हम इन फ्यूचर यहाँ पे आ सकते हैं? इन फ्यूचर गाइस, इन फ्यूचर अभी कन्फर्म नहीं है भाई। आप समझ रहे हो कि आज से 3-4 साल बाद आशु भाई ने बोल दिया था भाई ऐसे जाएंगे 3-4 साल, मतलब इन फ्यूचर का भी हमारा प्लान मतलब बन नहीं रहा। मतलब मैं मम्मा को बोल रहा हूँ बार बार कि मम्मी इन फ्यूचर देखेंगे यार, है ना। वैसे कैसे देखो मेरे को ना, आपने प्लान बोल देखो अमृतसर से प्यार है भाई, अमृतसर से प्यार है, बट यहाँ पे 1 साल रह लिया जो भाई, उसके बाद चंडीगढ़ से प्यार हो गया क्या मम्मी? अगर हम रुकते पहले नंबर में सर, दूसरे नंबर भाई चंडीगढ़ फेवरेट है, इसके बाद कोई शहर फेवरेट नहीं मेरा। मतलब ठीक है शहर अपनी जगह होते हैं, बट मेरे को दो भाई शहर पसंद है, अमृतसर और चंडीगढ़। और मम्मी अगर हम रुकते ना यहाँ पे 2-3 महीने तो फिर हमको होना था कि नहीं फिर इतनी दिक्कत, अभी हमको 1 साल हो गया गाइस। आप लिटरली मानोगे नहीं गाइस, लगाव हो जाता है 1 साल हो जाए भाई, और आपको मेरी बात गूंज रही होगी भाई, मतलब 1 साल हो गया हम यहाँ पे रहते हुए और लगाव तो नहीं था गाइस, 1 साल हो गया मतलब लगाव तो नहीं था। चलो तो कोई बात नहीं, इन फ्यूचर के भी देखेंगे। अभी गाइस आप देखो हमारा नया घर भाई मस्त है वो व्यू, तो वो यहाँ की बस लास्ट टाइम बाहर की क्लैरिटी दिखाते हैं, लोकेशन दिखाते हैं बाहर की, फिर आपको अपने ब्लॉग्स में देखने को नहीं मिलेगी, मेरे ब्लॉग में देख लो भाई देख लो गाइस। इस फ्लैट से एक तो लगा इसलिए है ना कि मतलब हाँ मतलब अच्छी सोसाइटी है ये सब है, और एक तो पता क्यों है, मेरी यूट्यूब की जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हुई है। क्यों मम्मी? अमृतसर रह गए मम्मी, मैंने यूट्यूब में स्टार्ट किया था तो, पर मेरी YouTube जर्नी ये क्या कर रहे हो बाप? ये सामान है। अच्छा मतलब मेरी YouTube जर्नी सभी यहाँ से स्टार्ट हुई है, पहला व्लॉग से लेके अमृतसर तक जाने के सभी व्लॉग यहाँ तक ही हैं। अब आगे की जर्नी गाइस आप देखोगे अमृतसर में, बाकी देखूंगा गाइस इन फ्यूचर, मम्मी पापा को लेके आऊँगा भाई चंडीगढ़ में इन फ्यूचर, ठीक है ना। बस साईं बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए क्यों मम्मी? बाकी हाँ मम्मी कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे खड़ी, कोई नहीं अमृतसर में भी ऐसे ही है, मतलब वहाँ यहाँ पर तो गाइस एक बहुत बड़ा बारिक है ना अमृतसर में, ऐसे ऐसे नहीं मतलब कैसे, तो इससे थोड़ा सा आधा लगा लो ऐसे आधे कर करके 3 वहाँ पे पार्क हैं, और काफ़ी मस्त सोसाइटी, वो भी सोसाइटी है एक तरह की, बहुत मस्त सोसाइटी दिखाऊंगा आपको, पूरा सोसाइटी का टूर दूंगा भाई क्या कहा हमारे सोसाइटी में, ठीक है ना। तो बस आगे काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने हैं, बट फिर भी ये होता है ना कि मतलब जहाँ से मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी भाई, अब उसको एक अटैचमेंट हो जाती बस कि यहाँ से निकला बाहर कहता हे गाइस गुड मॉर्निंग, बाहर का लोकेशन देखो, यहाँ गाइस देखो मम्मी, थोड़ा दिन फील होगा फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ थोड़े दिन तो गाइस थोड़ा सा फील तो होगा, बाकी सब ठीक होगा। चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते, नया कर दिखाते हैं आप अमृतसर में, चलो चलो चलते हैं अब हमने अमृतसर में, करते हैं जिंदगी की नई शुरुआत, ठीक है। तो बस अभी मिलता हूँ सीधा अमृतसर जाके, मतलब रास्ते मिलता हूँ अमृतसर जाके, नया कर दिखाता हूँ, बाय बाय कर दो आप सभी को घर को, बाय बाय चंडीगढ़, बाय बाय। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके अपने नए घर में, तो हाँ अभी अच्छे से टूर नहीं कराऊंगा, टूर कराऊंगा बाद में किसी ना, मतलब कल परसों में करा दूंगा, अभी सिर्फ आए हैं सामान वामान रखने का, बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो सामान रखवाता हूँ फिर मिलता हूँ भाई, बाय। सो गाइस मम्मी का गृह प्रवेश करा दिया नए घर में, कैसा लग रहा है नया घर? बाकी गाइस आपको नया घर दिखाऊंगा 1-2 दिन बाद, क्योंकि थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर ली फिर दिखाऊंगा आराम से। और ये हमारा कुछ सामान भाई आ चुका है, आपको गाइस मैं अपना बेडरूम दिखाता हूँ, सिर्फ अपना बेडरूम, ये तो गाइस मम्मी पापा को हो जाएगा ना बेडरूम, ठीक है। और ये हो गया गाइस अंदर से मेरा बेडरूम, ये है मेरा,
इधर देखो मेरी स्टडी टेबल लगी जिसको मैं कंप्यूटर टेबल बोलता हूँ, तो फिर मम्मी पसंद आया नया घर। चलो गाइस मैं सोच रहा स्लो को करता हूँ यहाँ पे एंड। आई थिंक ऐसा कौन रहा पसंद आया ना, पसंद तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल में सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते कल सुबह नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। और हाँ, बेल आइकन को मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोली ये बात, कभी नहीं। मेरा कोई भी लोग आगे देख लो, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लो भाई, क्योंकि आगे आने वाले जो व्लॉग हैं, अगर आपने हमारा घर शिफ्टिंग वाला व्लॉग देख लिया ना, घर शिफ्टिंग वाला चंडीगढ़ से मुसद का, तो गाइस मेरे को पता है आगे आने वाले व्लॉग भी देखोगे कि भाई कैसे सेटिंग करी उन्होंने, कैसे क्या किया ना, वो सारा कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। तो हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो, ऑन कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।